दोस्तों अभी की ब्रेकिंग न्यूज तो ये कि विनेश फोगाट जो है उनको इस टाइम पे डिस्क्वालिफाई कर दिया गया है वुमेन्स रेसलिंग 50 kg से, क्योंकि उनको ओवरवेट बताया गया है। किसी रिपोर्ट में पता चला कि वो 100 ग्राम ओवरवेट है, कहीं पर पता चला है 2 किलो ओवरवेट है, अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन हमारे और पूरे देश की नजरों में इस टाइम पर विनेश फोगाट ऑलरेडी एक चैंपियन बन चुकी है। जिन लोगों को विनेश फोगाट एक मैसेज देना चाहती थी, करारा तमाचा मारना चाहती थी, उन लोगों के फेस पे शायद एक स्लैप ऑलरेडी पड़ चुका है। घमंड को पूरी तरीके से चकनाचूर करके रख दिया है। पिटाई यहां पर जापान की रेसलर की हुई है, लेकिन दर्द हो रहा है आईटी सेलियाओं के शरीर में, ब्रिजभूषण शरण सिंह के शरीर में, और शायद सुप्रीम लीडर के भी शरीर में दर्द हो सकता है। ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन विनेश फोगाट ने जो किया है उससे सरप्राइज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले ही विनेश फोगाट ने अपने हेटर्स के लिए 2-3 महीने पहले एक मैसेज छोड़ा था। यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूं। डियर हेटर्स, आई हैव सो मच मोर फॉर यू टू बी मैड एट, जस्ट बी पेशेंट। एंड कट टू कल वाला दिन जहां पर एक के बाद एक हेटर्स की यहां पर लंका लगाई गई, सारा घमंड चकनाचूर करके रख दिया है। कल हेटर्स को बर्नौल के 10-10 ट्रक भी कम पड़ गए होंगे। आईटी सेलियाओं की 2 रुपए में तो यहां पर बर्नौल भी नहीं आती भाई। बट विनेश फोगाट के बारे में बात करना चाहता हूं। व्हाट अ क्वीन, सीरियसली व्हाट अ क्वीन। जो चैलेंजेस इन्होंने यहां पर देखे और जिस तरीके से यहां पर वो जीती है, इनकी जीत इस टाइम पर काफी ज्यादा पर्सनल फील हो रही है यार। विनेश फोगाट ने एक ही दिन में 2 रिकॉर्ड तोड़ दिए, यस 2-2 रिकॉर्ड वो भी एक ही दिन में तोड़ दिए हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि कुछ लोगों का घमंड पूरी तरीके से चकनाचूर करके रख दिया। कुछ ऐसे लोग जो विनेश फोगाट से बात करने को राजी नहीं थे जिस टाइम पर विनेश फोगाट को उनकी सबसे ज्यादा नीड थी। शेमफुल। चलो खैर, उन टटपूंजियों के बारे में तो आगे चल के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले विनेश फोगाट और उनके 2 रिकॉर्ड जो उन्होंने तोड़े हैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि यार उनके बारे में ही सबसे ज्यादा यहां पर बात होनी चाहिए, उन्हीं को ही सबसे ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए इस टाइम पर हमारे को। सबसे पहले देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, सबसे पहले खबर आई दिन में जहां पर पता चला कि विनेश फोगाट ने जापान की यूई सुसाकी को हराने का काम किया। अब ये अपने आप में बड़ी बात इसलिए है क्योंकि यूई सुसाकी जो है आज तक भी किसी नॉन जापानीज अपोनेंट से नहीं हारी है। ये पहली बार किसी नॉन जापानीज अपोनेंट से हारी है और विनेश फोगाट ने ये काम किया है। ब्रिजभूषण शरण सिंह कभी कर भी नहीं पाता। उसके अलावा अपनी स्क्रीन पर देखो, सुसाकी मैच हारी थी लेकिन 2010 से पहले हार चुकी है मैच। 2010 से अभी तक एक भी मैच ये नहीं हारी है। सोचो यार क्या स्ट्रेंथ यहां पर लगी होगी इनको हराने में। एक गोल्ड मेडलिस्ट और 4-टाइम वर्ल्ड चैंपियन को विनेश फोगाट ने हराया, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जहां पर एक तरफ इन चड्डी पहलवानों की छोटी छोटी बातों पे फूक सरक जाती है, वहीं दूसरी तरफ विनेश फोगाट ने जो किया है वो ये चड्डी पहलवान कभी करने की सोच भी नहीं सकते हैं। वैसे एक ही दिन में 2 बार लात तो यहां पर पड़ी गई बहुत सारे लोगों को, महान लोगों को, लेकिन सोचो कितनी बड़ी बात है, एक दिन में 2 रिकॉर्ड्स तोड़े। अबे एक दिन में 2 बार तो मोदी जी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के 2 लाइन नहीं बोल पाते हैं। यहाँ पे गोदी मीडिया एक दिन में 2 बार सच भी नहीं बोल पाता है ठीक तरीके से, और कंगना रनौत पिछले 4 साल में 2 हिट पिक्चरें नहीं दे पाई है, एक दिन में इन्होंने यहां पर 2 रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब जब यहां पर विनेश फोगाट ने रिकॉर्ड्स तोड़े इतनी स्ट्रगल के बाद और उनके ऊपर एंटी नेशनल का टैग लगने के बाद, तो डेफिनेटली यहां पर मेल्टडाउन तो होना था। लेकिन मेल्टडाउन से बड़ी सिचुएशन है कि मोदी जी कॉल कैसे करेंगे यहां पर विनेश फोगाट को। खैर उस सिचुएशन पे भी बात करेंगे और उस पर बात क्या चल रही है ये भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 रुपीज टटपूंजिया की आपको यहां पर मेल्टडाउन दिखाना चाहता हूं। भाई देखने वाली चीज थी, मोदी जी जब 240 पे रुके थे उस टाइम पर भी ऐसा मेल्टडाउन नहीं हुआ था। सबसे पहले कंगना रनौत जो अपनी 2 कौड़ी की एक्टिंग को छोड़ करके पॉलिटिक्स में आ चुकी है और 2 कौड़ी की पॉलिटिक्स कर रही है अपनी 2 कौड़ी की फिल्मों को चलाने के लिए, इन्होंने एक अपना पोस्ट बना करके डाला और यहां पर भी गंदगी मचाई है इन्होंने। फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल। अबे दीदी तुम चुप हो जाओ, पनौती मत लगाओ, तुम साइड में बैठो पहले। विनेश फोगाट एट 1 पॉइंट टुक पार्ट इन प्रोटेस्ट वेयर शी रेज द स्लोगन ऑफ मोदी तेरी कबर खुदेगी। इसके आगे लिखती है कि देखो उनको अपॉर्चुनिटी मिली ये सब बोलने के बाद भी, उनको ट्रेनिंग मिली, इतनी अच्छी कोचिंग मिली, फैसिलिटीज मिली, और ये है हमारे डेमोक्रेसी की ब्यूटी और हमारे ग्रेट लीडर की ब्यूटी। तालियां हो जाए मोदी जी के लिए विनेश फोगाट ने जो किया है उस पे भी। मतलब मोदी जी से कुछ करा धरा यहां पर जा नहीं रहा, अपना फोन उठा के वो 2 नंबर भी डायल नहीं कर सकते यहां पे, लेकिन मोदी जी को क्रेडिट मैं जरूर दूंगी पापुआ। लेकिन उससे भी बड़ा क्वेश्चन मार्क निकल कर ये आता है कि झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, झांसे की रानी मोदी तेरी कबर खुदेगी, ये स्लोगन कब रेस किया विनेश फोगाट ने या फिर किसी भी रेसलर ने यहाँ पे? और अगर ये स्लोगन रेस किया गया था तो उसको जेल में क्यों नहीं डाला गया? जो मोदी जी को टारगेट करके इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, और यहां पर छोटे मोटे पत्रकारों को बिना किसी बात के जेल में डाल देते हैं। अब यार हिपोक्रेसी की भी हद होती है। इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं एक और 2 रुपीज टटपूंजिया। अपने स्क्रीन पर देखिए, मिस्टर सिन्हा ये लिख रहे हैं, सिल्वर इज कंफर्म्ड बट शी विल विन गोल्ड फॉर श्योर, व्हाट अ कमबैक। अबे कमबैक के बच्चे,
तू चुप हो जा पूरी तरीके से, वरना इतनी गालियां पड़ेंगी ना कि 10 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलेगा, मम्मी मम्मी करता और रोता घूमता नजर आएगा। तू ज्यादा मत बोल वरना इस कमबैक के चक्कर में तेरे बैग पे गोबर के उपले पड़ेंगे इस टाइम। लेकिन भाई साहब ने क्या लिखा था, क्या महान महान बातें करी थी, ये भी आपको दिखाना चाहता हूं। उस टाइम पे आफ्टर बजरंग पुनिया विनेश फोगाट ऑल्सो लॉस्ट इन नेशनल ट्रायल्स एंड मिस्ड अ चांस टू रिप्रेजेंट इंडिया इन ओलंपिक्स। हार गई विनेश फोगाट, ये तो ट्रायल्स में ही हार गई है, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगी देश को, कितनी बड़ी लूजर है, सिर्फ पॉलिटिक्स करना जानती है। टू वॉच अ कमबैक, अबे किससे कमबैक, तुम 2 रुपए टटपूंजियों से। इसके अलावा एक और दिखाना चाहता हूं बाला, ये भी 2 रुपए टटपूंजिया ही है, मिलता इन्हें कुछ नहीं है, बर्नौल के पैसे भी बेचारे इकट्ठे नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन्होंने भी उस टाइम पर टूल किट चलाया था। सीधा ओलंपिक्स खेलेंगे, नेशनल ट्रायल्स विनेश फोगाट लूजेस 0-10 टू अंजू इन द सेमीफाइनल्स ऑफ 53 kg कैटेगरी इन पटियाला। सब उस टाइम पर जश्न मना रहे थे कि विनेश फोगाट हार गई है, ट्रायल्स में ही हार गई है, ओलंपिक्स में नहीं जा पाएगी। टू आज सब लोग विनेश फोगाट की चरण वंदना लिटरली कर रहे हैं, पानी भी अगर विनेश फोगाट के पैरों से गिर करके आएगा ना, उस पानी को भी ये लोग पीने का काम करेंगे, अपने घर में सजा लेंगे उस पानी को। खैर ये तो कुछ भी नहीं है, इनके आका आपको दिखाना चाहता हूं, अनुराग ठाकुर। यस, इन्होंने ट्वीट करके डाला है विनेश फोगाट दिस इज फिनोमिनल, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी बातें, कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल मैच। I just thank God कि यहाँ पर अनुराग ठाकुर ने, मिस्टर ठाकुर ने विनेश फोगाट की उनसे जाति नहीं पूछी, क्योंकि भैया इनको कुछ ज्यादा ही शौक है ना लोगों की जातियां पूछने का। लेकिन जिस टाइम पर विनेश फोगाट को इनके ट्वीट की जरूरत थी, इनके अटेंशन की जरूरत थी, उस टाइम पर भाई साहब क्या कर रहे थे, अपने स्क्रीन पर देखिए विनेश फोगाट का एक स्टेटमेंट है जो कि एक न्यूज़पेपर में छपा था। इट्स बीन इमोशनली ड्रेनिंग, द पीएम हैज नॉट सेड एनीथिंग अबाउट दिस केस, विनेश फोगाट सेड, बट ही अनुराग ठाकुर वॉज नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू माई कंसर्न, ही वॉज बिजी ऑन हिज फोन व्हेन आई वॉज टॉकिंग टू हिम, फोगाट एडेड। मतलब जिस टाइम पर फोगाट इनसे बात करना चाहती थी, भाई साहब अपने फोन पे लगे हुए टेक्सटिंग कर रहे थे, कैंडी क्रश सागा खेल रहे थे, और आज बातें करी जा रही, दिस इज फिनोमिनल। एक्चुअली फिनोमिनल पता है क्या अनुराग ठाकुर जी, फिनोमिनल है आपका हिपोक्रेसी पना। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं गोदी मीडिया के बारे में। यस भाई, इन लोगों की हिपोक्रेसी तो नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है और इनको सीखना चाहिए। ESPN ने एक ट्वीट करके डाला है जो कि इनको अपने घर में दीवार पर टांगना चाहिए लगाकर, और समझना चाहिए कि आखिरकार क्या होती है सच्चाई। सबसे पहले रूबिका भाई के बारे में बात करते हैं, उसके बाद इनकी एक मजेदार वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। देश की शेरनी ने चारों खाने चित कर दिया, वाह भैया आज देश की शेरनी बन गई है। उस टाइम पर क्योंकि ये मोदी जी से सवाल खड़े कर रही थी, मोदी जी को क्रिटिसाइज कर रही थी, तो ये एंटी नेशनल बन चुकी थी रूबिका भाई के लिए। उसके अलावा मिस्टर गुल्लू, जिनको कुत्तों की रेस में भी गोल्ड मेडल आज तक नहीं मिला होगा, उन्होंने भी ट्वीट करके यहां पर डाला है गोल्डन गर्ल फोगाट। हाँ हाँ, गोल्डन गर्ल फोगाट, अभी तुम्हारी पुरानी वीडियो दिखाता हूँ, जरा देखो इसको। 58 लाख, साक्षी मलिक को 10 करोड़ रुपए मिले थे, विनेश फोगाट पर 2,16,00,000 रुपए खर्च हुए, बजरंग पुनिया को 6 करोड़ रुपए मिले थे। देशवासियों की मेहनत की कमाई है जो कि टैक्स से आती है, पैसा देश के टैक्स पेयर्स का है ना, आपका और हमारा है, इसलिए ये खिलाड़ी सरकार को इस राशि को वापस लौटाकर अपना विरोध जता सकते हैं। विनेश फोगाट पे 2,16,00,000 रुपए खर्च हुए, उनको पैसे वापस कर देने चाहिए, ये हमारे देश के पैसे हैं, ये टैक्स पेयर के पैसे हैं। हाँ हाँ, ये टैक्स पेयर के पैसे, लेकिन मोदी जी ने जो संसद बनाई है उसमें से जो पानी टपक रहा है वो टैक्स पेयर के पैसे नहीं है। यस, मतलब कितना ही बेशरम होना पड़ता होगा, कितनी भैंस चमड़ी का होना पड़ता होगा गोदी मीडिया के ऐसे एंकर बनने के लिए, सीरियसली। अब जहां पर ये तो हंसने की कोशिश कर ही रहे हैं, चाहे पिछवाड़े में जितना भी दर्द हो रहा हो, लेकिन दूसरी तरफ आपको बताना चाहूंगा कि मोदी जी के अपने एक मंत्री हैं कैबिनेट के, जो कि इस टाइम पर कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है उनकी बातों को देखकर कि विनेश फोगाट की विक्ट्री के चक्कर में NDA जो है फटकर इधर उधर फैली चली जा रही है। आपको दिखाता हूं, जयंत चौधरी का एक ट्वीट है जहां पर वो लिखते हैं, एंड दिस इज रियल, ये फोटोशॉप नहीं है कहीं से भी, शी एग्जाम्प्लीफाइज द एडेज ऑफ करेज इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, ओलंपियन चैंपियन एंड नाउ ओलंपिक मेडल विनर इन इंडिया, ऑल द बेस्ट विनेश फोगाट। इसके रिप्लाई में एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, शी इज फार मोर करेजियस एंड हैज मोर स्पाइन देन यू सर। इसके रिप्लाई में जयन चौधरी लिखते हैं, एब्सोल्युटली, मतलब ये मैंने 2 बार क्रॉस चेक किया और ये फोटोशॉप नहीं है, एक्चुअली में जयन चौधरी ने ये बात लिखी है, और इस बात से तो मुझे भैया कुछ अजीब सी बू आ रही है। मोदी जी संभाल लो अपने NDA को, नहीं तो फट के इधर उधर फैल जाएगी सारे में। अब देखो, IT सेलियास का मेल्टडाउन तो होना ही था और ये मैंने आपको दिखाया पूरी तरीके से, गोदी मीडिया का भी मेल्टडाउन मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं असली प्रॉब्लम ये है कि मोदी जी कॉल कैसे करेंगे। जिस टाइम पर विनेश फोगाट को मोदी जी की नीड थी उस टाइम पर तो बात करी नहीं, तो आज
आज ये सवाल उठ रहे हैं कि अब मोदी जी किस मुंह से कॉल करेंगे विनेश फोगाट अगर यहाँ पर गोल्ड जीत जाती है। और मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ वो गोल्ड जीत जाए, मोदी जी का थोपड़ा देखने के लिए नहीं उसके बाद, बट हमारे देश के लिए मैं ये चीज चाहता हूँ। मोदी जी की इस हालत के ऊपर सोशल मीडिया पर लोग मोदी जी की मजाक उड़ा रहे हैं। मोदी जी उस टाइम पर कॉल कर लिया होता तो आज इतनी मजाक ना उड़ रही होती, अब होगी ना मीमा मीमी। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी का टावर नहीं आ रहा, कुछ लोग कह रहे हैं मोदी का सिग्नल नहीं आ रहा, कुछ लोग कह रहे हैं अब मोदी जी का रिचार्ज खत्म हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं विनेश फोगाट ने मोदी जी को ब्लॉक कर दिया, कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी की स्क्रीन टूट जाएगी एकदम से, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी ने अपना फोन ही समुद्र में फेंक दिया है, मोदी जी का फोन अपने आप ही डेड हो गया है। इस तरीके के मीम्स चल रहे हैं और दर्जनों मीम्स चल रहे हैं इस टाइम पर मोदी जी के ऊपर, एंड सिर्फ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि जिस टाइम पर विनेश फोगाट को अगेन पीएम की नीड थी उस टाइम पर पीएम ने फोन करा नहीं, लेकिन अब पीएम जरूर फोन करेंगे क्रेडिट लेने के लिए। वैसे देखो मोदी जी की तो बेइज्जती यहां पर होगी ही होगी, लेकिन उससे बड़ी बेइज्जती होगी बृजभूषण शरण सिंह की। क्या कहा गया था जरा पुराना वीडियो चला के दिखाना चाहता हूँ भाई। इस अदरक की शक्ल देखकर ना मुझे बार बार हंसी आ रही है इस टाइम पे। जिन खिलाड़ियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए थे, आज आप जाकर के हरियाणा में देखो कि उनकी कितनी इज्जत है साहब, उनको कोई बुलाता नहीं है, फॉलोअर्स घट गए, जाते थे तो 5 लाख की विदाई होती थी उनकी, आज किसी कार्यक्रम में बुलाए नहीं जाते हैं। हमारी नहीं घटी, उनकी घट गई, हमको तो हरियाणा से बुलावा आता है। आज किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता, उनके फॉलोअर्स गिर चुके हैं, उनकी पब्लिसिटी खत्म हो चुकी है, और हमारे को अभी भी उतने ही लोग पूछते हैं। अब तुम्हारे को कौन कौन पूछेगा जेल के अंदर, ये पता चलेगा टाइम आने पे। वैसे जहां पर ये कुछ ऐसे लीडर्स थे जिनको उस टाइम पर जाना चाहिए था, विनेश फोगाट से बात करनी चाहिए थी लेकिन नहीं करी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लीडर्स भी थे जिन्होंने विनेश फोगाट से और बाकी के रेसलर्स से भी मीटिंग करी थी, बात करी थी। आपको दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर राहुल गांधी जो कि रेसलर से जाकर मिले थे और इसकी काफी सारी फोटोज वीडियोज भी वायरल हुई थी। इसके अलावा प्रियंका गांधी जो कि विनेश फोगाट से उस टाइम पर मिली थी जिस टाइम पर विनेश फोगाट को जरूरत थी हमारे देश के पीएम की, बट पीएम गायब थे, आउट ऑफ रीच थे। वैसे कितने अफसोस की बात है, इतना सब होने के बावजूद भी हमारे देश की मीडिया कॉन्ग्रेचुलेट तो कर रही है विनेश फोगाट को, लेकिन एक बार भी कोई मीडिया हाउस ये नहीं बोलने की हिम्मत कर रहा कि आखिरकार उस टाइम पर कहां थे हमारी देश की सरकार, उस टाइम पर विनेश फोगाट की सुध क्यों नहीं ली गई जब उनको सड़क पे पुलिस घसीटने का काम करी थी। हमारे देश की मीडिया इस बात को कभी नहीं बोलेगी, लेकिन ESPN ने इस बात को समराइज किया और बहुत अच्छे तरीके से किया है, इंटरनेशनल डंका भी बज गया यहां पर। एक बार में अ ईयर ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फेडरेशन चीफ स्लेप्ट ऑन पेवमेंट्स फॉर 40 डेज, वॉज बीटन ड्रैग्ड बाय द पुलिस, नियरली इमर्स्ड ऑल हर मेडल्स इन गंगा, underwent knee surgery, sealed her Olympic spot after an unforgiving qualification process, became the first Indian woman wrestler to qualify for 3 successive Olympics, and now she's beaten the unbeatable defending champ, won 2 more bouts to become the first Indian woman to reach a wrestling Olympic final. Words fail to appreciate what Vinesh Fogart has just done. पूरी कहानी एक ट्वीट में लिख करके रख दी है, एंड हमारे देश में किसी की हिम्मत नहीं है इतनी बात लिखने की। अगर विनेश फोगाट की इतनी बड़ी विक्ट्री हो भी गई है, उसके ऊपर भी सच बोलने की हिम्मत किसी की नहीं है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी है ये। खैर ये तो थी विनेश फोगाट द क्वीन की कहानी, और आज इनको सेलिब्रेट करना भी चाहिए, चाहे आगे के मैच में जो भी हो जो भी ना हो, लेकिन अभी तक भी जहां पर ये पहुंच चुकी है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके अलावा जाते जाते 2 खबरें आपको और दिखाना चाहता हूं, ये भी आपको मदर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बताएंगी। सबसे पहले अपनी स्क्रीन्स पर देखो, एक्ट फॉल्स ऑन प्रीएम्बल इन स्कूल टेक्स्ट बुक्स। ये पता चला है कि क्लास 3rd और 6th की NCERT की बुक्स में से प्रीएम्बल को हटा दिया गया। यस, जहां पर वी द पीपल लिखा गया है वो बात अब हमारे देश की सरकार बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहती है। और उसके बाद कहा जाता है कि नहीं नहीं हम संविधान नहीं बदलेंगे, ये तो अपोजिशन की चाल है हमारे को बदनाम करने की। जिन लोगों को प्रीएम्बल से इतनी प्रॉब्लम है उनको कॉन्स्टिट्यूशन से कितनी प्रॉब्लम होगी, और शायद कॉन्स्टिट्यूशन से प्रॉब्लम है इसीलिए कहीं पर प्रीएम्बल हटाया जा रहा है और कहीं पर डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग बिल की यहां पर बातें करी जा रही है। चलो खैर बहुत हो गई सीरियस बातें, अब जाते जाते कुछ फनी चीजें भी आपको दिखाना चाहता हूं। देखो जब से मोदी जी ने यहां पर अपना साइबर ज्ञान झाड़ा था उसके बाद आप देखते रहे वर्ल्ड में किस तरीके से पनौती लग रही है। कभी हम देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट डाउन हो गया, कभी बैंक के सर्वर्स डाउन हो गए, और अब पता चल रहा है कि इधर उधर पैसे जा रहे हैं भैया और लोगों के अकाउंट में गलती से। ब्रेकिंग न्यूज निकल कर सामने आई, द US गवर्नमेंट मिस्टेकनली ट्रांसफर्ड $239 million टू द तालिबान। तालिबान के अकाउंट में गलती से $240 million ट्रांसफर कर दिया अमेरिका ने। अरे भैया $2-4 million इंडिया के अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दो गलती से। इस न्यूज से साफ साफ पता चलता है कि नमूने सिर्फ इंडिया में नहीं बैठे हुए, US के अंदर भी काफी नमूने बैठे हुए। वैसे आपका क्या रिएक्शन है इस खबर के ऊपर, और विनेश फोगाट के इस विक्ट्री के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, इनके मुंह पे करारे तमाचे के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के दूसरे वीडियो में।